आप देख रहे हैं इग्निशन का ईयर एंडर स्पेशल और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी दौर में। अब तक हमने बात करी 2017 में होने वाले लॉन्चेस की, लेकिन कार्स की, टू व्हीलर लवर्स जो हैं वो नाराज ना हो, 2017 आपके लिए भी बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, 16 इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, वजह बड़ी थी डिमोनेटाइजेशन। जी हाँ, डिमोनेटाइजेशन के चलते बहुत बड़ा रिटेल कारोबारियों का हिस्सा है जो कि शोरूम तक नहीं आया, लेकिन सभी मैन्युफैक्चरर्स इस बात को भी मानते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म में डिमोनेटाइजेशन का ये जो डिसीजन है वो हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा। चलिए, ये तो वक्त बताएगा। हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि 2017 क्यों खास रहने वाला है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2016 के आखिरी में एक बाइक लॉन्च हुई जिसने 2016 को काफी इंटरेस्टिंग बनाया, वो थी बजाज की डोमिनार 400। एक खास सेगमेंट है। अब उस सेगमेंट में सबसे ज्यादा आपको एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी 2017 में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आप इस पैकेज को देखकर जानें। यामाहा MT-03, शार्प LED हेडलैम्प, बीफी फ्यूल टैंक एंड फ्रंट बिकनी फेयरिंग, ये है यामाहा की जल्द लॉन्च होने वाली MT-03। यामाहा R3 के नेकेड वर्जन को 2016 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और अब ये बाइक लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। 321 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। R3 से वेट में कम होने के कारण इस बाइक से बेहतर माइलेज की उम्मीद की जा रही है। कीमत होगी R3 से कम, यानी कि करीब 2.5 लाख। इस बाइक का बाजार में असली कॉम्पिटिशन होगा KTM ड्यूक 390 और BMW G310R के साथ। हीरो मोटरकॉर्प 2017 की शुरुआत एक खास अंदाज में करने की तैयारी कर चुका है, जनवरी में होने वाले पहले ग्लोबल लॉन्च के साथ। अर्जेंटीना में डकार रैली के बाद इस बाइक से पर्दा उठाया जाएगा। इस बाइक को लेकर सीक्रेसी बरकरार है। हो सकता है कि ये नई बाइक को एक बड़े इंजन के साथ रॉयल एनफील्ड हिमालयन की टक्कर में उतारा जाए। हीरो मोटरकॉर्प जनवरी में सरप्राइज के अलावा और भी कई सारी नई बाइक 2017 में उतारेगा। इनमें से एक होगी HX250, जिसे साल के मध्य में उतारा जा सकता है। HX250 की कीमत 1.5 से 2 लाख के बीच हो सकती है और इसमें लगा होगा 250 सीसी का लिक्विड कूल इंजन। ये एक फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है। ट्विन हेडलैम्प्स और लार्ज विंडस्क्रीन इस गाड़ी को अपीलिंग बनाते हैं। भारतीय मार्केट में 2017 में होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्च KTM ड्यूक 390। टेक्नोलॉजी और पावर का ऐसा मेल जो शायद पहली बार भारतीय मार्केट में बनाया और बेचा जाएगा। 373 सीसी का इंजन, 44 PS की पावर और 35 Nm का टॉर्क इस बाइक के चाहने वालों की बेताबी और बढ़ाने के लिए काफी है। प्रीमियम मैटजिलर टायर्स, स्विचेबल ABS, स्लिपर क्लच, ये बाइक है वर्थ वेटिंग। हाल ही में इस बाइक को इकमा मोटर शो में दिखाया गया था। विदेशी मार्केट में मौजूद KTM 390 से ये बाइक 149 किलोग्राम हल्की है। बाइक की स्टाइलिंग भी पहले से ज्यादा अग्रेसिव रखी गई है। इस बाइक के भी 2017 की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो 2 से 2.5 लाख के बीच के सेगमेंट में सबसे ज्यादा लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। TVS अपाचे RTR 300 कार्स में जैसे दिखती है वैसी बैज इंजीनियरिंग तो नहीं, लेकिन TVS अपाचे RTR 300 है BMW की G310R से इंस्पायर्ड। मस्कुलर और स्पोर्टी दिखने वाली इस बाइक में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये बाइक है श्योर शॉट हेड टर्नर। इस बाइक में 313 सीसी का वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि BMW की G310R में इस्तेमाल की जाएगी। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, 34 PS की पावर और किलर लुक्स, इस बाइक का इंतजार 2017 के मध्य में खत्म होने की पूरी उम्मीद है। 2 से 2.5 लाख के बीच इस बाइक की कीमत होगी। सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि BMW R के बाद इस बाइक को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। BMW G310R ये एक स्पोर्ट्स बाइक है जिसे जर्मन कंपनी BMW और TVS ने मिलकर बनाया है। 2016 के ऑटो एक्सपो में इसे पहली बार दिखाया गया था। इस बाइक में 313 सीसी का इंजन लगा है। BMW मोटरार्ड की तरफ से बनाया गया ये सबसे छोटा इंजन है।
BMW G310R को TVS के होसुल प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस बाइक की टक्कर होगी महिंद्रा मोजो, KTM ड्यूक 390 और रिसेंटली लॉन्च बजाज डोमिनार के साथ। ये बाइक जनवरी या फरवरी के महीने में लॉन्च की जा सकती है और कीमत होगी 2 से 2.5 लाख के बीच। So all you track riders, get ready। जी हाँ, बाइक लवर्स के लिए 2017 बेहद खास रहने वाला है। अच्छी खासी क्यूबिक कैपेसिटी वाली ट्रैक मशीन्स के साथ साथ डुअल पर्पस बाइक रहेंगी फ्लेवर 2017 का। लेकिन 2016 में कौन सी थी वो बाइक जो कि रही टॉप लॉन्च, एक नजर उस पर। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन जाते जाते मेरा एक छोटा सा काम जरूर करें। मेरा एक संदेश है जो आपके लिए भी है और आपके दोस्तों के लिए भी, जो प्लीज पास ऑन जरूर करें। छोटा सा संदेश है कि सड़क नियमों का पालन करें। जी हाँ, जो लोग बाइक चलाते हैं, कृपया करके बाइक चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करें, और उसी तरीके से अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, सड़क नियमों का पालन करें। ये आपकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए। तो नया साल हम सबके लिए रहे सेफ, इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार, ड्राइव सेफ।